मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि किसी भी महिला को अपना अपनी जो बात है सामने रखना या अगर उन्हें किसी चीज की अगर कोई चीज उन्होंने एक्सपीरियंस किया तो उस एक्सपीरियंस के बारे में एक सीरियसनेस के साथ जब बात करती हैं तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज, मुझे ऐसा लगता है। और शीज अभी जो कंगना को जानते हैं, मैं जानता हूं, मैं उनके साथ काम कर चुका हूं, वो है ही ऐसी, वो बहुत ऑनेस्ट हैं, जो बोलती है दिल से बोलती है, मुंहफट हैं। एंड मुझे लगता है कि एक ट्रेंड, क्योंकि मैं जो समाज सेवा का काम करता हूं उसमें बहुत सारी ऐसी बच्चियां होती हैं छोटी छोटी जिनके साथ गलत काम होता है और हम उन्हें रेस्क्यू करते हैं, तो शुरू शुरू में वो बताना उनको मुश्किल पड़ता है, चाहे वो कोई घर का ही हो चाहे कोई पहचान का हो, मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो ऐसा ही होता है, कोई पहचान का ही आदमी होता है जो उन्हें अटैक करे। तो मैं चाह रहा हूं कि ऐसे एक ट्रेंड बने कि लड़कियां जो हैं वो अपनी आवाज उठाएं और उनके साथ जब गलत हो तो उनको ये ना लगे कि वो विक्टिम होने के बावजूद कहीं ना कहीं उन्हें शर्मिंदा होना चाहिए। हमें इस समाज में रिवर्स करना चाहिए, दरिंदों को शर्मिंदा करना चाहिए, ना कि उन लड़कियों को जिनके साथ में जो हुआ है। तो आई थिंक जब एक स्टार किसी भी विषय पे वो गलत हो सही हो, उस पर अनेक विचारधाराएं हो, अनेक पक्ष हो, लेकिन जब एक स्टार एक इशू को समाज के सामने रखते हैं तो लोग उसके बारे में डिबेट करना लगते हैं, और जब डिबेट होता है तो कहीं ना कहीं बदलाव आता है, मुझे ऐसे विवेक आपको लगता है कि कंगना ने जो किया वो बहुत ठीक किया और आप खुश हैं? यार ये है ना, ये एक पर्सनल क्वेश्चन है। अच्छा, उसमें क्या रहता है कि मैं कंगना भी मित्र हैं, कॉलीग भी रह चुकी हैं, ऋतिक मेरे घनिष्ठ मित्र हैं, उनको बहुत सालों से जानता हूँ, बचपन से जानता हूँ मैं, लेकिन दो लोगों के बीच में क्या हुआ और क्या नहीं हुआ ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स सवाल है। और मैं जिस टाइप का आदमी हूँ, जिस तरह का इंसान मैं हूँ, मुझे लगता है कि जो दो लोगों के बीच में होती है बातें उन्हें पूरी तरह से समझना या समझे बगैर उस पर टिप्पणी देना वो गैर जिम्मेदारी है।